दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके YouTube वीडियोस के ऊपर भर भर के व्यूज आए, लाख में व्यूज आए, तो सबसे पहले आपको अपने YouTube वीडियोस के ऊपर अट्रैक्टिव और कैची थंबनेल लगाना होगा। अब न्यू यूट्यूबर्स को यही नहीं पता होता है कि थंबनेल कैसे लगाएं, अपने YouTube वीडियोस के ऊपर थंबनेल कैसे लगाएं। मैं भी दोस्तों जब आज से 3 साल पहले नया था तो मुझे भी ये पता नहीं था कि थंबनेल को थंबनेल कहते हैं और YouTube वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगाया कैसे जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियोस के ऊपर किस तरह से थंबनेल लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। इन 3 तरीकों में से कोई भी एक तरीके का यूज करके आप अपने वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगा सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि अट्रैक्टिव कैची थंबनेल किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से आपको ऐसा थंबनेल बनाना है कि जिसके वजह से देखने वाले का जो अटेंशन है वो ग्रैब हो जाए और आपके थंबनेल के ऊपर वो क्लिक करे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अट्रैक्टिव कैची थंबनेल भी बनाना सिखा दूंगा। और आज के समय में यूट्यूब के ऊपर आपको जो है एकदम अट्रैक्टिव और कैची थंबनेल बनाना है। थंबनेल आपका अट्रैक्टिव रहेगा तो ही आपके वीडियो के ऊपर जो व्यूवर्स है वो क्लिक करेंगे, और वो व्यूवर्स क्लिक करेंगे तो वही सब्सक्राइबर के अंदर टर्न होंगे और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो आपका चैनल ग्रो होगा और आप यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकोगे। नहीं तो दोस्तों आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले जो वीडियो हमारे यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो जाता है तो सबसे पहले व्यूवर्स को उसका थंबनेल ही दिखता है, और थंबनेल देखकर ही जो व्यूवर्स है वो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करता है। तो आप समझ सकते हो कि थंबनेल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए और व्यूज लाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि थंबनेल आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों में से कोई भी तरीके का यूज करके आप थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों पहला जो तरीका है, इसके अंदर आपको आपका जो है YouTube एप्लीकेशन उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद चैनल के ऑप्शन पे जाना है, यूवर चैनल पे जाना है और प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना जो वीडियो है उसे अपलोड कर देना है। जनरली हम सभी इसी तरीके से वीडियो को अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ये जो वीडियो है इसे फिलहाल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, अपलोड करने के बाद में यहाँ से हम उसे टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक जो थंबनेल है उसे ऐड कर देना है, इस तरह से डन कर देना है। तो यह है पहला तरीका, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है थंबनेल ऐड कर सकते हो। लेकिन जनरली ज्यादा करके जो यूट्यूबर से थंबनेल को यहाँ से ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो थंबनेल जो है वो बाद में बनाते हैं, तो पहले वो वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो तरीका सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूट्यूबर, और वो है YT एप्लीकेशन का तरीका। मतलब आपके मोबाइल के अंदर जो YT एप्लीकेशन होता है, यूट्यूब का YT एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। वहां पे आपको आपके सारे जो वीडियो है वो दिखाई देंगे, तो आपको कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो अभी वीडियो अपलोड किया था तो वो वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरी जो वीडियो है वो अपलोडेड है, तो यहाँ पर आपको और पब्लिश भी है, तो आपको अनपब्लिश करके वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तब यहाँ पर ये जो वीडियो है मेरा, ये ऑलरेडी पब्लिश है, उसके ऊपर थंबनेल लगा हुआ है, तो आपका जो वीडियो रहेगा उसके ऊपर थंबनेल नहीं होगा। तो आपको उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद फिर से पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको थंबनेल चेंज करने का ऑप्शन आ गया है। आप चाहे तो अपने वीडियो के अंदर से कोई भी थंबनेल को इस तरह सिलेक्ट करके उसे एज ए थंबनेल रख सकते हैं, कोई भी आपकी जो क्लिक रहेगा फिक्स रहेगा आपके वीडियो के अंदर। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप एक जो कस्टम थंबनेल है वो कस्टम थंबनेल आप लगा सकते हैं। तो चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक जो थंबनेल है उस थंबनेल को आपको यहाँ से चूज कर लेना है, उसके बाद में डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यह है दूसरा तरीका जिससे आप अपने YouTube वीडियोस के ऊपर थंबनेल लगा सकते हैं, और यह तरीका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। हर एक यूट्यूबर YT एप्लीकेशन से ही अपना जो थंबनेल है वो लगाता है। दोस्तों तीसरा जो तरीका है, इसके अंदर आपको आपका जो YouTube चैनल है उसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना होगा, अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ब्राउजर में, चाहे फिर ओपेरा हो या क्रोम ब्राउजर हो, इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वीडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके जितने भी जो वीडियो है वो सारे एक लाइन में यहाँ पे आपको सीरियल वाइज दिखाई देंगे। इसमें से वो वीडियो भी आपको दिखाई देगा जो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है या हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मेरे सारे वीडियो अपलोडेड है और उन पर थंबनेल भी लगे हुए हैं, तो आपके सामने आपका जो अपलोडेड वीडियो वो दिखाई देगा जिसपे थंबनेल नहीं लगा हुआ है। तो आपको उस वीडियो पे इस तरह से क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद में आपके सामने उस वीडियो की सारी डिटेल ओपन हो जाएंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह। आप यहाँ चाहे तो इसमें एडिट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको नीचे ये थंबनेल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर इसके मेरे इस वीडियो के अंदर थंबनेल ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है, तो आपके वीडियो में थंबनेल लगा नहीं होगा, या फिर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो का थंबनेल आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं इस वीडियो का थंबनेल चेंज कर दूं, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इस थंबनेल के ऊपर इस तरह से क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन आ गए थ्री डॉट पे, थ्री डॉट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से देख सकते हो आप चेंज और डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो चाहे तो मैं यहाँ से थंबनेल डाउनलोड भी कर सकता हूँ और चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं थंबनेल को चेंज भी कर सकता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर मेरे वीडियो में थंबनेल ऐड है, तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ या कोई दूसरा थंबनेल लगाना चाहता हूँ, या फिर आपका जो वीडियो अपलोड होगा तो उस पर थंबनेल नहीं होगा, तो आपको थंबनेल लगाना होगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से इस पे क्लिक करना होगा, तो आप देख सकते हो थ्री डॉट का ऑप्शन आ गया है, इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से चेंज और डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए है कि मेरे यूट्यूब वीडियो के ऊपर ऑलरेडी थंबनेल है, तो मैं इस थंबनेल को डाउनलोड कर सकता हूँ, और चेंज इसलिए कि मैं इसे चाहे तो चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फाइल्स पे क्लिक करना है, और आपको आपके मोबाइल के गैलरी से यहाँ पे थंबनेल को जो है सिलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। तो ये है दोस्तों तीन तरीके जिससे आप अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर अट्रैक्टिव कैची थंबनेल लगा सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।